तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो मैं हूँ एक्स्टर के पास। हुंडई एक्स्टर अभी अभी लॉन्च हुई है और 6 लाख रुपए में ये गाड़ी एक्स शोरूम प्राइस पर आपको मिल सकती है। इस गाड़ी का कंपटीशन सबसे ज्यादा कहा जा रहा है पंच, क्योंकि ये भी एक माइक्रो एसयूवी इस तरीके से बनाई गई है। आप देखोगे तो मेन पार्ट आपको दिखेगा कि स्ट्रक्चर काफी बड़ा है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं दोस्तों इस गाड़ी के बारे में, जो कि आप सुनेंगे और आपको लगेगा कि हाँ यार सेफ्टी के मामले में भी काफी अच्छी तगड़ी गाड़ी बनाई है और पावरफुल गाड़ी भी बनाई है और प्लस CNG भी आता है इस गाड़ी में अभी लॉन्च होते ही। चलिए शुरुआत सामने से करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ जो इसका ग्रिल है, कुछ बहुत ही अच्छे से डिजाइन का ग्रिल बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा फ्लैट ये नज़र आता है, थोड़े से अमेज की याद मुझे दिलाता है। ऊपर की तरफ आपको एक्स्टर की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पर मिलता है हुंडई का लोगो और वही अभी जो नया सीन चल रहा है इनका कि भाई थोड़ा सा कर्व्ड होकर के आता है, उस तरीके से बनाया गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने में लगता है। वैसे सारी कंपनियाँ कोशिश कर रही हैं और वरना में इन लोगों ने भी हुंडई ने भी कोशिश की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो DRL देते हैं, इस गाड़ी में आपको DRL पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी प्यारे से H लिखा हुआ DRL आपको मिल जाता है। दोनों तरफ आपको 2 डबल H मिल जाते हैं और नीचे की तरफ आपको मिल जाते हैं हेडलाइट्स। सो हेडलाइट की डिज़ाइन काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी जो है मिलती है वेन्यू से, क्योंकि ये स्क्वायर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर कोई DRL इस तरीके से नहीं बनाया गया है, H ऊपर लिख दिया गया है, यहाँ पर आपको सिंपल सा एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये 15 इंचेस के टायर आपको देखने के लिए मिलते हैं, 175/65 R16 के टायर से। चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा है लेकिन मैं समझता हूँ कि अलॉयबल थोड़ी और बड़ी हो सकती थी, 16 इंच आप देख सकते थे क्योंकि आपने स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। उस लिहाज से यहाँ पर इस तरीके से डिज़ाइन मिलेगा, ये भी आपको यहाँ पर स्कफ प्लेट्स काफ़ी अच्छी से मिल जाएगी जो कि मर्ज हो रही है, इसके अंदर लग नहीं रहा है कि अलग से लगाई गई है, तो काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपको ORVM देखने के लिए मिलता है ऊपर की तरफ, जिसमें आपको टर्न इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं जो कि एक अच्छी बात है। इस तरफ आते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं जो डोर हैंडल है कुछ इस तरीके का मिल जाता है आपको। गाड़ी की साइड प्रोफाइल आप देखेंगे काफ़ी हद तक एक SUV वाला लुक आपको दे देती है। पीछे की तरफ आएंगे तो ये एरिया आपको काफ़ी अच्छा सा लगेगा, खिड़की काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा एरिया दिया गया है, ये वाला सेक्शन भी बड़ा दिया गया है, इवन ये वाली जो है डाउन हो जाएगी, लेकिन यहाँ से भी आपको बहुत सारा व्यू देखने के लिए मिलेगा। सो खिड़की के बाद बात आती है इस वाले हिस्से की, जहाँ पर आपको ये पैरामेट्रिक डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाएगा और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बाहर की तरफ और अंदर की तरफ भी किया गया है दोस्तों। और हुंडई ने अपनी ब्रांडिंग बहुत अच्छे तरीके से की है, आप देख सकते हो सामने हेडलाइट्स पर भी और टेल लाइट्स पर भी H लिख रखा है यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छा तरीके से ग्लो हो रहा है। इधर आपको ब्रेक लाइट्स और रिवर्स लाइट मिल जाएंगे। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है CNG है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि CNG में भी ये गाड़ी आ रही है शुरुआत से ही। यहाँ पर आपको एक और खूबसूरत चीज़ देखने को मिलेगी जो कि शार्क फिनेंट है, काफ़ी बढ़िया सा डिज़ाइन इसका मिल जाता है और क्योंकि इसके ऊपर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है वो भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, पियानो ब्लैक वाला। यहाँ पर आपको जैसे कि सभी गाड़ियों में मिलता है ब्रेक लाइट मिल जाता है और इस गाड़ी के अंदर आपको ये डीफॉगर भी लगे हुए मिल जाते हैं। यहाँ पर हुंडई की बैजिंग और जैसे कि मैंने कहा था पैरामेट्रिक डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, यहाँ पर पूरा बैज यहाँ से यहाँ तक के पैरामेट्रिक डिज़ाइन दिया गया है, जिसके ऊपर आपको ग्लॉसी फिनिश देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको रियर व्यू कैमरा देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर नंबर प्लेट देखने मिल जाएगी। यहाँ पर आपको SXC बैजिंग और यहाँ पर एक्स्टर की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। इस तरफ आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी आपको सेम साइज़ का रियर टायर देखने के लिए मिलेगा, 175/16 R15 के, और यहाँ पर भी जो स्कफ प्लेट है वो लगी हुई है जो कि आपको समझ में भी नहीं आएगी और एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तैयार किया गया है कि भाई आप कुछ ख़राब रास्तों पर जा सकते हो। इवन इसका डिपार्चर एंगल भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखा गया है, मतलब अगर आप कैसे भी रास्तों पर जाना चाहते हो, पथरीले रास्तों पर जाना चाहते हो, जहाँ पर थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, उन जगहों पर ये गाड़ी आपको मुश्किल तो नहीं देगी और काफ़ी बढ़िया सा ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो अब हम चलते हैं दोस्तों गाड़ी के अंदर और इंटीरियर देखते हैं और गाड़ी के अंदर में और बातें आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये है गाड़ी की चाबी और हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर। अब गाड़ी की चाबी से स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर आपको पीछे हुंडई का लोगो और सामने की तरफ 3 बटने मिल जाएगी, लॉक अनलॉक और होल्ड करके डिक्की खोलने की, और प्लस में फिजिकल की कुछ इस तरीके से निकल जाती है। वैसे इस गाड़ी के अंदर आपको फिजिकल की SX वेरिएंट में फिजिकल की लगा करना है, स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर नहीं है, अपर वेरिएंट में आपको स्टार्ट स्टॉप मिल जाएगा। तो हम गाड़ी कर देते हैं चालू। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो एंटर करने के बाद मुझे अच्छी लगी वो है इसका दरवाज़ा। आप दरवाजे का फील देखिए, आपको हैवीनेस नज़र आएगी, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप इसका दरवाज़ा खोलते बंद करते हैं, तो ये एक हैवीनेस। प्लस ये जो थर्ड आपने सुना है बहुत ज़्यादा क्लीन साउंड आता है, तो आपको लगता है यहाँ दरवाज़ा जो है एक पीस में है। इसका जो लॉक है आप ये भी देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया सा ये बनाया गया है। यहाँ पर भी आपको मैट फिनिश देखने के लिए मिलेगी। आपको बता दूँ दोस्तों इस गाड़ी के अंदर मैट और ग्लॉसी का बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर सीट की बात करूँगा, सीट में
काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा कंफर्ट मुझे लगता है जो इस प्राइस रेंज में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि बॉडी हगिंग सीट्स मुझे मिल जाती है, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा आराम मिल जाता है, थाई सपोर्ट मेरे लिए अच्छा है। अगर मैं 5'8" का हूँ, अगर मैं थोड़ा ज़्यादा भी होता तो कोई तकलीफ मुझे नहीं होती, मैं आराम से बैठ सकता था। बात आती है अगर स्टीयरिंग की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरीके से स्टीयरिंग मिलेगा जिस पर सारी बटनें मुझे दी गई हैं, वॉइस कंट्रोल है, मोड्स है, साउंड को मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप MID कंट्रोल कर सकते हैं इससे, और इस तरफ आपको लीवर्स मिल जाएंगे जिसका जो मटेरियल है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इवन गाड़ी में जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें, जितना भी फाइबर लगा हुआ है, वो आपको मटेरियल अच्छा सा मिलेगा। डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं जो आपको सबसे पहले दिखाई देता है गाड़ी में आने के बाद, तो यहाँ पर आपको पैरामेट्रिक डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगी जिस पर ट्रायरो पैटर्न बना हुआ है, जो कि आपको थोड़ी सी टाटा की याद दिलाएगा। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है दोस्तों, वो है इसके AC वेंट्स, जो कि आप यहाँ पर और उस तरफ देख सकते हैं। बीच वाले AC वेंट्स पे मैट फिनिशिंग की गई है और ये थोड़े से कन्वेंशनली रखे गए हैं, लेकिन मैट फिनिश की वजह से थोड़े से ज़्यादा उभर कर आते हैं। लेकिन जो आपको साइड के AC वेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, थोड़े से गोल वाले हैं और थोड़े से ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं, थोड़ा लुक वाइज थोड़ा और ज़्यादा क्लियर आपको कर देते हैं। फिर इस पर दो स्क्रीन्स बड़ी बड़ी दी गई हैं आपको, यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा MID के लिए जिसपे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। फिर आपको यहाँ पर एक टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है जिसके आसपास पूरा आपको ग्लॉसी फिनिश मिल जाएगा, जो कि इससे इस डॉक से जुड़ा हुआ सा मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको मेन्यू मिल जाएगा, हालांकि वायर लगा करके यहाँ पर जो है आपको एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करना होगा, लेकिन फिजिकल बटन भी दी गई हैं यहाँ पर आपको अगर इस्तेमाल करना है तो, सीक ट्रैक सेटअप की, रेडियो मीडिया और स्टार बटन भी दी गई है। AC कंट्रोल्स की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया सी फिनिश मिलेगी जिसके ऊपर सारी बटने दी गई और एकदम मिनिमल रखा गया है डिज़ाइन को, एकदम छोटा रखा गया है डिज़ाइन को, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे नहीं है कि भाई ये भी बटन है, ये भी बटन, ये भी बटन दबा दीजिए। अब मैं आपको मेन मुद्दे की बात बताता हूँ, यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो, CNG को आप CNG पेट्रोल का फ्यूलिंग जो है वो चेंज कर सकते हो यहाँ से कि भाई कौन सा फ्यूल मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, और स्टेपर लाइट्स मिल जाता है इस तरफ में। AC के सेक्शन के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक Type-C पोर्ट मिल जाता है, एक 12-volt सॉकेट मिल जाता है और एक USB पोर्ट मिल जाता है A-Type का, जिससे कि आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज करना है तो आप कर सकते हैं और एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट करने के समय भी काम आएगा। यहाँ पर फोन रखने के लिए और आपके वॉलेट रखने के लिए बहुत बड़ी जगह दी जाती है आपको। इसके पीछे आपको गियर नॉब मिल जाएगा जो कि काफ़ी सुंदर सा नजर आता है और ये सेक्शन भी बहुत बढ़िया सा बनाया हुआ है। प्लस ये वाला यहाँ पर जो एक हिस्सा दिखता है जहाँ पर कॉफ़ी मग आपको रखने के लिए जगह दी गई है और इस तरफ चिल्लर वगैरह या फिर अपने बिल्स रख सकते हैं जो टोल पर मिलते हैं, और हैंडरेस्ट नहीं है जो कि एक छोटी सी दिक्कत मुझे लग रही है, हैंडरेस्ट होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बता दूं दोस्तों, मैंने क्यों बोला था 5-star सेफ्टी रेटिंग लेकर आ सकती है गाड़ी, क्योंकि अभी के समय में जितनी भी गाड़ियां मौजूद हैं उनमें से आपने बोला होगा टाटा की गाड़ी है भाई 5-star सेफ्टी रेटिंग है पंच को या नेक्सॉन को, तो आपको बता दूं कि वो पुराने नॉर्म्स के हिसाब से था, नए नॉर्म्स में 6 एयरबैग मैंडेटरी हैं, तो उनके टॉप एंड वेरिएंट में भी क्योंकि 6 एयरबैग नहीं है तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी, लेकिन इस गाड़ी में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर भी एयरबैग है, वहाँ पर भी एयरबैग है, हर जगह एयरबैग ही एयरबैग है, 6 एयरबैग आपको मिल जाते हैं मैंडेटरी, जिसकी वजह से कम्पीट कर सकती है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी सी है। अब बात कर लेते हैं और फीचर्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है रीडिंग लैंप चालू किया गया है जिसकी वजह से मैंने दूसरी बार ये वीडियो शूट किया क्योंकि लाइट चालू करने के बाद ज़्यादा अच्छा फील आया। यहाँ पर सनशेड आपको मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बड़े से नज़र आते हैं, IRVM डे नाइट वाला आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक यहाँ पर नहीं है फिलहाल तो कोई सॉस की बटन नहीं दिख रही है मुझे। इस गाड़ी में ये SX वेरिएंट है और आपको सनरूफ मिल जाता है दोस्तों, काफ़ी बड़ा सेक्शन यहाँ पर सनरूफ का मिल जाता है जिससे लाइट अंदर आ सकती है, जो कि एक अच्छी बात है, आप चाहे तो इसे बंद भी कर सकते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको अंधेरे में दिखूंगा। पीछे की तरफ भी रीडिंग लैंप आपको मिल जाता है जो कि एक अच्छी बात है, देखिए यहाँ पर भी हमने चालू कर दिया है। प्लस अब हम आते हैं ग्लव बॉक्स की तरफ, देखिए अगर को ड्राइवर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उनके सामान रखने के लिए बहुत खासा यहाँ पर जगह दिया गया है। तो चलिए अब मैं आपको फ्रंट सीट में बता चुका हूँ, इसको एडजस्ट करता हूँ अपने हाइट के हिसाब से, थोड़ा सा ज़्यादा पीछे रखता हूँ ताकि मैं पीछे सीट का मुआयना अच्छे से कर सकूँ कितना स्पेस उन्हें मिलता है। अब ये मैंने जो है अपने लिमिट से थोड़ा सा ज़्यादा पीछे रखा है, अब मैं चलता हूँ पीछे की तरफ, आपको दिखाता हूँ पीछे से गाड़ी कैसी है। तो ध्यान दीजिए दरवाजे का ठट, सुनिए गाड़ी पैक हो जाती है। अभी आपको बता दोस्तों गाड़ी चालू है लेकिन आपको उतना ज़्यादा साउंड जो है नहीं समझ में आ रहा होगा। अब इस जगह पर मैं बैठा हुआ हूँ तो मेरे पैरों के आगे काफ़ी ज़्यादा सा स्पेस है, कोई तकलीफ मुझे यहाँ पर तो नहीं हो रही है। थोड़े से पैर नीचे टकरा रहे हैं क्योंकि शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा पीछे रखा है, अगर 6 फुट का आदमी पीछे बैठता है तो पीछे 5'8" के आदमी को बैठने के लिए इनफ जगह है। स्पेस के मामले में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सा आपको स्पेस मिल जाता है और हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं, तो मैं बहुत ही आराम से यहाँ पर बैठ सकता हूँ। थाई सपोर्ट आपको गाड़ी में काफ़ी बढ़िया सा मिल जाता है और पीछे की तरफ देखें कुशनिंग काफ़ी अच्छी सी है, मुझे थोड़ी और नरम होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। तीन लोगों के बैठने के लिए दोस्तों इनफ स्पेस यहाँ पर है, फिर भी मैं कहूँगा तीन लोग मेरे जैसे अगर बैठते हैं मोटे ताजे तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। रियर सीट का अगर मैं मुआयना करूँ अच्छे से तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर कोई मुझे हैंडरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन बीच वाली सीट के लिए 3-point सीट बेल्ट मिल जाता है जिसको आप इस तरीके से खींच कर और इस तरीके से पहले यहाँ पर टक करेंगे और उसके बाद फिर उस तरफ घुमा करके करेंगे।
थ्री पॉइंट सीट बेल्ट आपको बीच की सीट के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई हेडरेस्ट आपको अलग से नहीं दिया गया है, हेडरेस्ट आपको दो ही मिल जाते हैं। प्लस एक 12 वोल्ट सॉकेट यहाँ पर भी आपको मिल जाता है, हालांकि 12 वोल्ट की जगह अगर ये सीधा यूएसबी दे देते तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाता, पर यहाँ पर आपको एक छोटी सी मशीनरी खरीदनी होगी, फिर यूएसबी से आप अपना फोन चार्ज कर सकते हो। और दोस्तों एसी के वेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, हालांकि सिर्फ ये ब्लोअर है, सिर्फ यहाँ पर आप टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी मिल तो जाते हैं, तो रियर सीट पर काफी अच्छा सा माहौल आप बना सकते हो ठंडा वाला। आपको स्पीकर दरवाजों पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं बूट की तरफ, मैं आपको बूट दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से बूट ओपन होता है दोस्तों, एक बटन की तरह से। तो आपने अभी तो देखा कि यहाँ पर बहुत सारा स्पेस है, लेकिन दोस्तों सीएनजी होने की वजह से आप ये देख सकते हैं कि पूरा स्पेस लगभग यहाँ पर चला गया है, बहुत कम छोटा सा स्पेस आपके पास बच जाता है सीएनजी होने की वजह से। अगर आप पेट्रोल वेरियंट लेते तो इतना सारा स्पेस आपके पास होता है जिसमें बहुत सारे बैग्स आप रख सकते थे, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये एक छोटी सी मुझे मुश्किल लग रही है अगर सीएनजी गाड़ी लेते हैं तो बूट को हम कर देते हैं बंद। दोस्तों ओवरऑल अगर मैं गाड़ी की बात करूँ, स्ट्रक्चर वाइज काफ़ी अच्छा है, गाड़ी में काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिशिंग की गई है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया, कंफर्ट वाइज काफ़ी अच्छी गाड़ी है, फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है। साथ में इसमें आपको दो प्रकार के ट्रांसमिशन मिलेंगे, एएमटी मिल जाएगा और मैनुअल मिल जाएगा। अगर आप इंजन की बात करोगे तो इसमें सीएनजी वेरिएंट भी है और पेट्रोल वेरिएंट भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो कि कप्पा वाला, जो कि आपको लगभग 81-82 बीएचपी की पावर निकाल कर दे देता है। पावर वाइज मुझे इनफ लग रहा है, बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं है और कोई टर्बो वगैरह यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं किया है अभी। दोस्तों अगर आप माइलेज की बात करोगे इस गाड़ी की, तो ये गाड़ी अभी तक रोड पे ज़्यादा चली नहीं है, ये अभी लॉन्च हुई है, तो हम इतना ज़्यादा कयास नहीं लगा सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना होगा। पर क्योंकि 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन पहले भी यूज किया गया है और इसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंजेस की वजह से हम थोड़ा बोलेंगे कि कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, पर 19 जो कंपनी बोल रही है उसके आसपास या 18-17 का हम जो है एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इन हाईवेज सिटीज़ के अंदर आप इससे 13-14 का जो है एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा पेट्रोल में। एएमटी के अंदर आप एक एक किलोमीटर जोड़ा था कम कर लेना, लेकिन अगर सीएनजी की बात करोगे 27 क्लेम कर रही है कंपनी, तो हम 25 या 24 तक का तो इससे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।